हेलो एवरीवन, आज की मेरी रेसिपी है ब्रेड पकोड़ा। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है और कितना क्रिस्पी बना है। बिल्कुल खाने में बाजार जैसा लगता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बिना देर के इस रेसिपी को बनाते हैं। पकोड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए हैं 4 से 5 उबले आलू, जिसे मैंने कुकर में देके 2 से 3 सीटी आने तक बॉईल कर लिया है। और लिया है आधी कटोरी मटर, और यहाँ पे मैंने लिया है 1 बड़ा सा प्याज, 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा लिया मैंने अदरक। इन सबको मैंने अच्छे से बारीक बारीक कट कर लिया, और लिया है थोड़ा सा धनिया जिसको भी मैंने अच्छे से काट लिया है। और 1 बड़ी कटोरी लिए मैंने यहाँ बेसन। और सबसे पहले बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। उसके लिए लिया है मैंने यहाँ पे 1 बड़ा सा बाउल, उसमें बेसन डाल देंगे। और मैं अब इसमें डालूंगी थोड़ी सी अजवाइन, इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको हाथों से थोड़ा क्रश करके डालेंगे ताकि इसमें बहुत अच्छी खुशबू आए। और इसमें 1/2 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब इन्हें अच्छे से मिला लेंगे, और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक बैटर तैयार कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो पानी ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक बैटर तैयार कर लिया है। ये देखिए इतना गाढ़ा ही रखेंगे, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। अब बैटर तैयार हो चुका है, और अब इसको ढक के अलग रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। चलो आलू का मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। पैन गर्म हो चुका है, और मैं अब इसमें डाल दूँगी तेल। 2 चम्मच में यह सरसों का तेल ले रही हूँ। उसमें डाल दूँगी थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी डाल दूँगी जीरा, चटकने देंगे, और साथ में डाल दूँगी थोड़ी सी हींग, और डाल दूँगी इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक और हरी मिर्च। चलाते हुए अच्छे से इन्हें फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो चुका है, और अब इसमें डाल दूंगी कटा हुआ प्याज। प्याज को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, अच्छे से इसे चलाते रहेंगे ताकि प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 से 2 मिनट के लिए प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया है, और अब मैं इसमें डाल दूँगी मटर, और अब इसी के साथ डाल दूँगी मैं कुछ सूखे मसाले, जिसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी डालेंगे धनिया पाउडर, और थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। मैं मिर्च पाउडर कम ही डाल रही हूँ क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाली है। इन्हें मिला लेंगे, और मैं अभी इसे ढक के रख दूंगी 1 मिनट के लिए, जिससे मटर सॉफ्ट हो जाए। 1 मिनट हो चुका है, अब देख लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से मसाला तैयार हुआ है। मटर को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से मटर भी सॉफ्ट हो चुका है। अभी इन्हें अच्छे से मिला लेंगे, और अब इसमें आलू डाल देंगे। हाथों से इस तरह से मैश करते हुए डाल देंगे। इस तरह से एक एक करके सारे आलूओं को डाल देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे सब आलूओं को डाल दिया है, और अब अच्छे से आलू को और मसालों को मिला लेंगे। आलू को इसी तरह से मिक्स करते हुए मिला लेंगे। मैंने आलू और मसालों को अच्छे से मिला लिया है मिक्स करते हुए। देखिए कितने अच्छे से ये मिल गया है, और कितना सुंदर लग रहा है ये देखने में। कलर भी बहुत अच्छा आया है। इसी तरह थोड़ी देर और चला लेंगे, और मैं अब इसमें डाल दूंगी 1/2 चम्मच गरम मसाला। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, और अब इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर। आप चाहो तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, उससे भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छे से इसे भी मिला लेंगे।
आलू देखो कितनी अच्छे से मैश हो चुका है, मसाला बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। और मैं अब आखिरी में डाल दूँगी इसमें कटा हुआ हरा धनिया। अब इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। देखिए कितने अच्छे से मसाला बनके तैयार हुआ है। और मैं अब गैस को बंद कर दूँगी और इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी ठंडा होने के लिए, ताकि मसाला अच्छे से ठंडा हो जाए। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे एक बाउल में निकाल लिया है। और अब कढ़ाई रख देंगे गर्म होने के लिए। और अब इसमें डाल देंगे तेल। अब तेल को गर्म होने देते हैं। और जब तक तेल गर्म होता है तब तक ब्रेड पकौड़ा बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए चार ब्रेड लिए हैं, उसमें से एक स्लाइस लेंगे और चम्मच की मदद से पूरे ब्रेड पे मसाला कवर कर देंगे। अच्छे से सब जगह फैला लेंगे ताकि पूरे ब्रेड में अच्छे से मसाला लग जाए। मसाला आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच मसाला डालूँगी। सब जगह अच्छे से कवर कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे सब जगह अच्छे से कवर कर दिया है। ये कवर हो चुका है। और मैं अब इसके एक और स्लाइस लूंगी ब्रेड की और उसके ऊपर रख देंगे और हाथों से थोड़ा दबाते हुए इसे अच्छे से चिपका देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये चिपक गया है। और अब एक चाकू की मदद से इसमें बीच में से कट लग कर लेंगे। ये लीजिए अब जी ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब इसी तरह से बाकी सब ब्रेड को भी बना लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 से 3 ब्रेड को बना लिए हैं अच्छे से। यहाँ पे 6 पीस मैंने कर लिए हैं। अब चलो तेल भी गर्म हो चुका होगा, इन्हें फ्राई करते हैं। ये देखिए तेल भी गर्म हो चुका है। और अब इसमें 1 पीस ब्रेड का लेंगे और तीनों कवरों को पहले अच्छे से पैक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब पूरे ब्रेड में बैटर लगा लेंगे, अच्छे से इसे डिप कर देंगे बेसन के बैटर में। और अब इसे उठा के रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा बेसन नीचे गिर जाए। और अब इसे तेल में डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। और अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल डालते रहेंगे ताकि जो ऊपर से भी थोड़ा क्रिस्पी बन जाए। अब मीडियम फ्लेम पर ही इसे पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि जो गोल्डन कलर के बन जाए। जब जो गोल्डन कलर के हो जाएंगे तो इन्हें बाहर निकाल लेंगे। मैं कढ़ाई में यहाँ पर एक ही फ्राई करके दिखा रही हूँ, आप चाहो तो इसमें 2 भी डाल सकते हैं। अब इसे दोनों तरफ से पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये दोनों तरफ से फ्राई हो चुका है। कितना अच्छे से देखो इसका कलर आया है। और मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसी तरह से बाकी सब ब्रेड को मैं बना लूँगी। ये देखिए मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए मैंने यहाँ पे सब बना लिया है। अब चलिए इसे सर्व करते हैं। ये लीजिए क्रिस्पी क्रिस्पी ब्रेड पकौड़ा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, मुझे खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। मैंने इसे आज ग्रीन और रेड सॉस के साथ सर्व किया है। आप इसे अपनी पसंद की कोई भी चटनी के साथ खा सकते हैं, ये सबके साथ बहुत अच्छा लगता है। और अब ब्रेड पकौड़ा खाने के लिए बाज़ार जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसे घर पर आसानी से बनाइए और सबको खिलाइए। आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।